binary search or also non-conventional energy resource ka assignment first karenge jo bhi first ka pehla assignment hai. Isme total 10 question hai aur iska last date hai 2 tarikh 2 february hai. तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. पहला क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, इन मॉडर्न सिटी द मोस्ट पीपल आर कैरिंग द सोलर पावर डिवाइसेस. ये बात गलत है कि जो मॉडर्न युग में हम लोग सोलर पावर का यूज कर रहे हैं. और आगे मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, इन 1980 मोस्ट पीपल आर कैरिंग द पोर्टेबल एनर्जी डिवाइसेस. ये भी बात गलत है. लेजर आर यूज for surgery to often only a very small fraction of the second of time. This is true because laser बहुत ही sharp cutting कर सकता है और उसका हम लोग surgery में use करते हैं. बात सही है. Optical microscope have the resolution of the range of micron. This is also true because हमें पता है कि जो optical microscope का तो best resolution जो होता है 0.2 माइक्रोन में होता है और जिस यहाँ पे भी जो रेंज माइक्रोन में ही दिया है तो दैट्स वाई ये ट्रू होगा. आर्टिफिशियल पेज मेकर टिपिकली यूज अ लीड एसिड बैटरी. ये क्वेश्चन का जवाब गलत है क्योंकि हमें पता है कि जो आर्टिफिशियल पेज मेकर है उसमें लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं क्योंकि वो रिचार्जेबल होता है. तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो दिया है बैटरी वो गलत है. हाउस होल्ड बल्ब यूज ऑफ वॉट इन द रेंज ऑफ वॉट. ये भी ये ट्रू है क्योंकि इसमें हमें पता है कि जो भी हाउस होल्ड बल्ब पावर जो होते हैं वो वाट में होती है. और सेवन क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इन द प्रेजेंट रेट ऑफ द यूज ऑफ एनर्जी विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज लाइकली द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफियर विल डबल इज द लेस देन 100 ईयर. अगर इसमें यही बोला है, इस क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि यदि हम प्रेजेंटली जो अभी जैसे यूज करते आए हैं एनर्जी का, अगर हम अल्टरनेट नहीं यूज करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो डबल हो जाएगा. तो कन्वेंशनली यूज करते रहें तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटमॉस्फेयर में अमाउंट वो बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा. तो हमें अदर ऑप्शन चूज करना चाहिए. तो ये सही बात है कि अगर हम लोग अदर नहीं यूज करेंगे तो डबल इन द लेस देन 100 ईयर. तो ये ट्रू होगा. द लास्ट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी यूज इन द वर्ल्ड कम फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल. ये हमने थर्ड लेक्चर में पढ़ा था कि उसमें बताया गया था कि पूरी दुनिया के जितने भी वर्ल्ड में एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं उसका केवल 2% ही हम लोग सोलर पावर या ये कह सकते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं. तो मैक्सिमम हम लोग जो यूज करते हैं वो फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं. ये बात तो सही है. तो इसलिए 8 क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो सही होगा. तो मॉडर्न ऑयल वेल हैज़ बी अराउंड लेस देन 200 ईयर. और मॉडर्न जो ऑयल वेल है वो उसका जो एग्जिस्टेंस हम कह सकते हैं 2 साल से अराउंड हुआ होगा उनका. इसलिए इसका भी ट्रू होगा जवाब. द प्राइस ऑफ द क्रूड ऑयल टेक इन टू अकाउंट इन द टाइम एंड एफोर्ट विद द क्रिएटिंग इन द नेचर. दिस question answer is also true and you can submit from here. And aur baad mein aapko yahan pe likh ke aayega thank for taking assignment first. Aur hope aapko ye video achhi lagi ho to share aur like aur share bhi kare. Aur jo bhi abhi assignment ye का लेक्चर नहीं कर पाए बट उन्हें असाइनमेंट सबमिट करनी है तो इस यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है. और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.